आज बात करेंगे 65th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के करेंट इवेंट्स के बारे में। जैसा कि आप जान रहे हैं 15th अक्टूबर 2019 को इसका प्रीलिम्स होने जा रहा है और आपकी तैयारी अब लास्ट स्टेज में होगी। तो आज मैं स्पेशली फोकस करूंगा इसके करेंट इवेंट्स के बारे में। मुझे उम्मीद है कि ये कुछ मिनटों का वीडियो आपकी तैयारी में ज़रूर हेल्प करेगा और मैं इसके जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उस पर चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए उसको सब्सक्राइब भी करेंगे। हमारी नई चैनल लॉन्च हुई है इसलिए इसको प्रमोशन की आवश्यकता है, इसलिए आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। लेकिन आप सपोर्ट तभी करेंगे जब आप इसको पसंद करेंगे, अदरवाइज कोई फोर्स नहीं है कि आप इसको सब्सक्राइब करें या फिर शेयर करें। और अगर आप ऐसा होता है तो आप ज़रूर इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ करेंट इवेंट्स 65th बीपीएससी के लिए। यहाँ पर मेन प्रश्न है ये कि करेंट इवेंट्स का यहाँ मायने क्या होगा, हम कब से कट ऑफ डेट लें करेंट इवेंट्स के लिए 65th बीपीएससी के लिए, कब से कट ऑफ डेट लें इसकी कोई फिक्स तो है नहीं, केवल करेंट कहा जाता है। और यहाँ पर यह भी ध्यान रखें कि अलग अलग जो सोर्स मटेरियल आपके पास होंगे, बुक्स हैं चाहे ऑनलाइन आप यूज कर रहे होंगे, उसमें भी कोई क्लियर मेंशन नहीं होगा। वो जनरल बातें लोग करते हैं, 1 से 1.5 साल के जो है आप करेंट इवेंट्स ले लीजिए। लेकिन मैंने बीपीएससी का बहुत इंटेंसिव स्टडी किया है करेंट इवेंट्स का, तो मुझे 2-3 बातें उसकी खास दिखी है। सबसे पहली बात तो ये खास दिख रही है कि अभी 2-3 जो एग्जाम्स लगातार हो रहे हैं उसमें साल भर का गैप है नहीं, लगभग 7-8 महीने या 9-10 महीने में आपके एक प्रीलिम्स जरूर हो जा रहे हैं। ये मैक्सिमम गैप है जो आप देख रहे हैं कि आपके एग्जाम अक्टूबर में और लास्ट एग्जाम दिसंबर 2018 में हुए थे, ठीक है। तो आप ये मैक्सिमम गैप है 9 से 10 महीने का, तो ऐसी स्थिति में 1 से 1.5 साल के पीछे करेंट इवेंट्स जाने की जरूरत मैं नहीं समझता हूँ। आप क्वेश्चन ट्रेंड्स भी देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत बैक क्वेश्चन नहीं जा रहा है। कहाँ तक हम जाएं तो उसके लिए कोई सीमा रेखा नहीं है। अगर 15th अक्टूबर को एग्जाम है तो आप ध्यान रखेंगे कि मैक्सिमम आप जो जा सकते हैं वो अगस्त 15 तक जा सकते हैं, उसके आगे मुझे नहीं लगता है कि जाना। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं वो करते हैं, मैंने इवेंट्स बताया अप टू 15th अगस्त तक, ये नहीं बताया है कि सोर्स मटेरियल आपके क्या है। जैसे आप अगर मैगजीन्स पढ़ते हैं, अगर आप अगस्त की मैगजीन पढ़ते हैं तो उसमें इवेंट्स जून की होती है, इसलिए अगर 15th अगस्त का इवेंट देखना हो तो आपके लिए इशू होगा अक्टूबर का, उसको देखना होगा। बैक हम कहाँ जाए, यहाँ पर इसको बताने से पहले मैं एक चीज बताऊंगा। आज समस्या मटेरियल्स की नहीं है, आज कोई भी स्टूडेंट ये नहीं कंप्लेन कर सकता है कि सोर्स मटेरियल का इसमें अभाव है। आप केवल चर्चा कर दीजिए कि मुझे करेंट इवेंट्स चाहिए बीपीएससी के, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन की सामग्रियों की आपके पास भरभार हो जाएगी। आप क्लिक कीजिए ऑनलाइन में 65th बीपीएससी करेंट इवेंट्स, देखिए कितने आपके पास साइट्स आते हैं। मार्केट आप जाइए, आप देखिए कितने किताब की दुकानें हैं सजी हुई हैं। तो इसलिए आप ये कंप्लेन कभी नहीं कर सकते हैं कि हमारे पास सोर्स मटेरियल की कमी है। प्रॉब्लम क्या है कि कौन सा सोर्स मटेरियल हमको छांटना है और किनको पढ़ना है, उसके लिए खुद बेसिक तैयारी करनी होगी। जो बातें मैं बता रहा हूं, जैसे मैंने बताया कि आपको साल भर पीछे जाने के लिए बीपीएससी की जरूरत नहीं है, आप जनवरी 2019 के इवेंट्स को लीजिए, वहां से लेकर करके आप 15th अगस्त 2019 तक जाइए। ये पिछले 2-3 एग्जाम्स को देखने से ऐसा ही लग रहा है। इन इवेंट्स को अगर आप लेंगे तो पहले तो यहाँ आइए, हमने जो मैगजीन्स और जो सोर्स मटेरियल दिया है बहुत कठिनाई हुई मुझे छांटने में, क्योंकि मैं भी करेंट इवेंट्स क्लासेस लेने जा रहा हूँ अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट विजय स्टडी सर्किल रांची में। तो वहां पे मुझे काफी दिक्कत हुई कि क्योंकि इन लोगों ने इतना इनपुट डाल दिया है उसमें, 2 सालों का इतना इनपुट डाला हुआ है, हर चीज मुझे डबल मिल रही है, हर चीज डबल मिल रही है। जैसे कि मान लीजिए आप, मैं एक उदाहरण ही ले लूं कि अगर मैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पर जा रहा हूं तो मेरे 2-2 साल के हैं, मैं जीडीपी पर जा रहा हूं, इकोनॉमिक सर्वे पर जा रहा हूं, तो मेरे पास 2-2 साल के आ रहे हैं आंकड़े। क्या इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या हमारे 2 साल के हमारी तैयारी हो सकती। पहले के जमाने में ऐसे होते थे जब गैप करके एग्जाम्स होते थे तो उसमें एक खतरा होता था कि 2 से 3 साल पहले के भी करेंट इवेंट्स पूछ दिए जाते थे। आज ऐसा नहीं, ये जो मैगजीन्स हैं, ये जो सोर्स मटेरियल है, वो आपको सारे चीज अवेलेबल करा दे रहे हैं। उनकी समस्या नहीं है, उन्होंने आपको सारा चीज अवेलेबल करा दिया। अब आपकी समस्या है कि आप उसमें से जो जरूरत समझे। उन्होंने केवल 65th बीपीएससी के लिए नहीं लिखा है, उन्होंने करेंट इवेंट्स के लिए सामग्री दी है, इसलिए वो सारे डाल रहे हैं।
उतने आपको याद कैसे होंगे, उतने अवार्ड्स, आप प्लेसेस इन द न्यूज, पर्सन इन द न्यूज, इतनी चीज याद करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए वो कठिनाई को सॉल्व नहीं कर रहे, कठिनाई बढ़ा रहे। ये आपको सेलेक्ट करना होगा हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो आप आइए कि साल 2019 जनवरी से आइए, आप 15 अगस्त 2019 इसके बीच की घटनाओं को लीजिए। साथ साथ बीपीएससी के क्वेश्चंस को अगर आप एनालिसिस कीजिएगा तो 4 से 5 महीने की घटनाएं, यानी मंथ अगर अक्टूबर में आप एग्जाम ले रहे हैं तो आप देखें कि जून की घटनाएं और मई की घटनाएं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। इवेंट्स ऑफ मई एंड जून, आई एम टॉकिंग अबाउट द इवेंट्स, नॉट द इशू ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव मैगजीन या इशू ऑफ एनी ऑनलाइन मैगजीन्स, इसकी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मई और जून की घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण होंगी हमारे के लिए। ऐसा नहीं है कि हमको केवल मई और जून की देखनी है, मैंने बताया कि जनवरी से लेकर अगस्त तक देखिए घटनाएं, उसके बाद आप कैसे तैयारी करें, इसमें कौन सा मटेरियल को हम सेलेक्ट करें। अब आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, बहुत सारे, अगर आप ऑफलाइन यूज करते हैं तो आपके पास पीडी है, प्रतियोगिता दर्पण है, आपके पास परीक्षा मंथन है, आप देखें कि स्पीडी है, आप विजन आईएएस के मटेरियल्स हैं, आपके पास सोर्स ऑफ मटेरियल दृष्टि है, जो भी हो आपके पास सारा कुछ, और सारे के कंटेंट में भी 70-80% बहुत सिमिलरिटी है। ऐसा भी नहीं है कि कंटेंट में बहुत ज्यादा अंतर आ रहा है, कुछ चीजें जो एस्टैब्लिश्ड चीजें हैं जहां से फैक्ट बेस्ड आती है वो भी आप देखिएगा कि बहुत सिमिलर है, जैसे कि अवार्ड्स हो गए आपके, प्लेसेस इन द न्यूज, पर्सन इन द न्यूज, स्पोर्ट्स हो गए, आप देखें ये सब चीजें आपके सारे मैगजीन्स के आप बराबर देखिएगा, इसमें बहुत चेंजेस नहीं नजर आ रहे, लगभग उन्होंने सारे इंपॉर्टेंट चीजों को लिया है, ठीक है। तो पहले तो आप इनमें से किसी को एक को सोर्स बना सकते हैं, अगर आप ऑनलाइन जा रहे हैं तो आपके पास समसामयिक घटना चक्र भी एक ऑप्शन बचता है, और जिनका मैंने चर्चा किया ऑफलाइन में वो ऑनलाइन भी अवेलेबल, उनका भी आप ले सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट डे वाइज कलेक्ट करते हैं, 1.5 साल 2 साल का मटेरियल करते हैं, अगर डे वाइज आप करते हैं तो उसमें अगर आप उसको पचा ले रहे हैं और उसको आप जो है तैयार कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज डे वाइज में ऐसे मटेरियल्स और फैक्ट्स हैं जिनकी बहुत आवश्यकता नहीं है, तो उनको अगर आपने शुरू से ऐसा किया है तो आप अपने को बरकरार रखें। अगर आप अप टू डेट हैं और डे वाइज आप कर रहे हैं तो आप भी अपना जनवरी से लेकर 15 अगस्त तक के बीचों को लेंगे तो आप ज्यादा बेहतर यूज कर सकते हैं। फिर देखिए कि बीपीएससी स्पेसिफिक होने के लिए आपको ये जानने के लिए कि जैसे मैंने कहा कि अवार्ड्स हैं, पर्सन इन द न्यूज है, प्लेसेस इन द न्यूज है, बुक्स है, अब इसमें तो लिस्ट है ना हमारी, इसमें लिस्ट है कि जैसे कि एक इशू में अगर आप देखेंगे तो 10 से 15 अवार्ड्स की चर्चा है। आप देखें, आप अगर 8-9 महीने की ले रहे हैं तो आप गुणा कर लीजिए, 100-150 हमारे अवार्ड्स हो जा रहे हैं, प्लेसेस इन द न्यूज 7-8 की चर्चा है तो आप मल्टीप्लाई कर दे तो 70-80 हो जा रहे हैं। तो इसके लिए आप पिछले 3 सालों के क्वेश्चंस पेपर को ले बीपीएससी के, तो उनका क्या ट्रेंड रहा है, 3 एग्जाम 3 साल नहीं होंगे, 3 एग्जाम का आप लास्ट ले, उससे ज्यादा ट्रेंड आपको आएगी, उस पर ही अपनी बेस्ट तैयारी करें। सारे अवार्ड्स याद करना, सारे प्लेसेस को याद करना पॉसिबल नहीं है। दूसरा, वो स्टूडेंट एडवांटेजियस स्टेज में रहते हैं जो रेगुलर पेपर वगैरह पढ़ते रहते हैं तो उनको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, अगर इनके दायरे से बाहर भी क्वेश्चन आते हैं तो ज्यादातर सॉल्व करेंगे। तो आप उस ट्रेंड को देख करके ही अपने को मटेरियल्स को कलेक्ट कीजिए कि हमारे लिए ये क्या इंपॉर्टेंट होगा। अगर सारा मैगजीन का सारा प्लेस आप लिख रहे हैं तो लिखने की क्या जरूरत है, आप पढ़ते जाइए, रामायण की तरह पढ़ते जाइए आप, भले वो आपको याद हो या ना हो, आपको ये पॉइंट करना ही होगा कि हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। नहीं तो इतने वेराइड सोर्सेस हैं और इतने ज्यादा सोर्स मटेरियल है कि आपकी वो पूरी तैयारी ही नहीं हो पाएगी, इसलिए आपको स्पेसिफिक उसमें होना ही पड़ेगा और पिछले 3 एग्जाम्स के क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे। उसको आप अपने सोर्स मटेरियल अगर आपके पास है परचेज किया हुआ तो उसको आप अंडरलाइन करके रख ले या जरूरत आए तो नोट करें, क्योंकि समय आपके पास अब बहुत कम है, यूज नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पर मैं एक आपको वार्निंग देना चाहूंगा, जितनी बातें मैंने कहा, ये 63rd जो बीपीएससी एग्जाम हुई थी प्रीलिम्स की, वो एक अल्टरेशन था करेंट इवेंट्स के लिए। 63rd के करेंट इवेंट्स के अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो वो कहीं से भी बीपीएससी के अर्लियर एग्जाम्स या उसके बाद जो 64th एग्जाम हुआ उससे मैच नहीं करते हैं, वो पैटर्न से बिल्कुल अलग थे। अब अगर उसी तरह के क्वेश्चन 65th में आएंगे
तो आप उसकी कोई तैयारी नहीं कर सकते। जो आप नॉर्मल पढ़ रहे हैं आपको वही पढ़ना होगा, उस 63 को आप मानक नहीं मान सकते। खुद बीपीएससी ने रियलाइज किया, इसलिए 64 में उसने पैटर्न को फिर पुराने सिस्टम पर ले गई। तो इसलिए आप 63 को एबरेशन माने, और एबरेशन की तैयारी नहीं हो सकती है, एक जो हमारा पैटर्न है उसकी तैयारी करें। तो आप अदर एग्जाम्स के आधार पर ही उसकी तैयारी करें और 63 को माइनस करके चलें, कि आप उसमें भी आप ऐसा नहीं था कि अगर सारे क्वेश्चन करंट के जो थे वो ऐसा नहीं था कि ऑफ बीट थे। हाँ, 32-40% ऑफ बीट जरूर थे, जो ज्यादा हो जाते हैं ऑफ बीट, नहीं तो नॉर्मली बीपीएससी में पूछे जाते हैं। 13-14 सेक्शंस अगर आप बनाएंगे बीपीएससी में, जैसे नेशनल इवेंट्स हो गए, इंटरनेशनल इवेंट्स हो गए, इकोनॉमिक इवेंट्स हो गए, अवार्ड्स हो गए, प्लेसेस इन द न्यूज हो गए, पर्सन इन द न्यूज हो गए, कॉन्फ्रेंसेस हो गए, कमिटीज हो गई कि डिफरेंट कमिटीज क्या बनी है, बुक्स इन द न्यूज हो गए, बुक्स क्या हुए, हमारे स्पोर्ट्स हो गए, स्पोर्ट्स के क्या क्या हमारे होते हैं, जो डेथ्स होती है जो है चर्चित, जो हमारे पर्सनैलिटीज फेमस उनके पूछे जाते हैं उनको, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हुए, कॉन्फ्रेंसेस में दोनों आएंगे, फिर कमिटीज की रिपोर्ट आती है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गए। तो इस तरह से आप सेक्शंस बनाएंगे, तो ये 13-14 सेक्शंस आएंगे जिसमें आप जनवरी से लेकर अगस्त तक की घटनाओं, तो आप अपने को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। कोई एक्स्ट्रा सावधानी रखना चाहता है कोई स्टूडेंट, तो जनवरी की जगह वो अक्टूबर तक जा सकता है, अक्टूबर 2018 से अगस्त 2019 तक जा सकता है, लेकिन हमने जो पैमाना इसको किया है उसके अनुसार यही ज्यादा बेहतर होते हैं। तो इनको आप बनाइए, और इस फिक्स पैटर्न पर अगर आउट ऑफ पैटर्न पर क्वेश्चंस आते हैं तो उसकी तैयारी जैसा मैंने कहा नहीं हो सकती। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको देख रहे हो इस वीडियो को, तो हमारे यहाँ विजय स्टडी सर्किल में बीपीएससी स्पेशल करेंट इवेंट्स की क्लासेस मैं जो है वो 26 सितंबर से लेने जा रहा हूँ, और ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है करेंट, जिसमें मैं करेंट से संबंधित जितनी बातें मैंने कहा सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल कराऊंगा, और इसमें एनालिटिकल मैं एनालिसिस करूंगा कि किस तरफ आपको जोर देना चाहिए। तो जो लोग इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं वो विजय स्टडी सर्किल रांची से संपर्क कर सकते हैं, और जो है इसका लाभ उठा सकते हैं। जो लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं तो उनको हमने इस वीडियो के माध्यम से सारी बातें आपको बता दी, और उसी अनुसार आप तैयारी करें। और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप इसको लाइक भी करें, और जैसा कहा सब्सक्राइब भी करें, और आप इसको शेयर भी करें। थैंक यू, इंतजार कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का।